अनएकेडमी राजस्थान 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास जेवलिया। क्रेक आरपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनएकेडमी का गेट सब्सक्रिप्शन अनएकेडमी को आप किस प्रकार से ज्वाइन कर सकते हो, अनएकेडमी के ऊपर आप किस प्रकार से क्लासेस दे सकते हो, तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है। तो उससे पहले मेरा एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है अबाउट मी। मैं हूं विकास जेवलिया। माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बीएससी बीएड एंड एमए। मैंने बीएससी बीएड और एमए किए हैं। मैंने क्या क्या एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, मैंने कौन कौन से एग्जाम क्रैक किए हैं, तो वो है टेट 2011-12, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2011, एसएससी एफसीए एग्जाम 2012, राजस्थान पुलिस एग्जाम 2013, राजस्थान माइंस एग्जाम 14-15, राजस्थान पुलिस एग्जाम 2015, रेलवे एग्जाम नॉन टेक्निकल एनटी 2014-15, रीट एग्जाम 2018, जिसमें मैंने 1, 2, 3 मार्क्स प्राप्त किए थे, जिसके अकॉर्डिंग मुझे L2 साइंस में टीचर एग्जाम 2018 के अंदर मैंने इस एग्जाम को क्रैक किया। माय टीचिंग एक्सपीरियंस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन 5 ईयर का है। बात करते हैं, यदि आप अनएकेडमी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाते हो तो अनएकेडमी आपको कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल करवाता है। तो उसके अंदर फर्स्ट फीचर्स की बात करें, बहुत शानदार फीचर्स हैं। फर्स्ट फीचर्स की बात करें तो आपको अनएकेडमी डेली लाइव क्लासेस का मौका देता है। डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं जिसके अंदर आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ अपने टॉपिक से संबंधित डाउट क्लियर कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो और पोल्स के द्वारा आंसर दे सकते हो। तो आपको इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनएकेडमी पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से लाइव क्लासेस लेने का मौका अनएकेडमी देती है। इसके साथ नंबर 2, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज का मौका देती है। लाइव टेस्ट मिलते हैं, क्विजेज चलती हैं, जिसके अंदर आप अपनी जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसकी आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो, कि अपना तैयारी का एनालिसिस कर सकते हो कि अपनी तैयारी का जो स्तर है वो क्या है, क्या चल रहा है। इसके साथ नंबर 3 बात आती है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। अनएकेडमी आपको, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, एसएससी कर रहे हो, आईआईटी है, नीट है, इसके अलावा रीट की हो गई, पटवार है, राजस्थान पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, सभी एग्जाम आर एग्जाम का स्ट्रक्चर्ड कोर्स अनएकेडमी प्रोवाइड कराता है, जो कि उस एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा स्ट्रक्चर्ड किया हुआ कोर्स आपको अवेलेबल अनएकेडमी करवाता है। नंबर 4 बात आती है अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस अनएकेडमी के जो सब्सक्रिप्शन है, कोर्स है, उनकी ये खास बात ये है कि यदि आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो उस कोर्स को आप बार बार विभिन्न डिवाइसेस के अंदर जैसे लैपटॉप है, कंप्यूटर है, बार बार रिकॉर्डेड क्लासेस को सुन सकते हो, देख सकते हो और आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट बना सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो अनएकेडमी आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ जोड़ती है और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अच्छी बनाने के लिए, क्रैक करने के लिए आपको अच्छा मौका अवेलेबल करवाती है। इसके बाद बात करते हैं आरपीएससी सब्सक्रिप्शन की। बेटा, यदि आप आरपीएससी सब्सक्रिप्शन लेते हो, आरपीएससी का कोर्स लेते हो, आरपीएससी के अलावा किसी भी एग्जाम का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, जैसे यूपीएससी है, एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, राजस्थान पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, इसके अलावा पटवार है, रीट है, किसी भी एग्जाम का, राजस्थान एग्जाम हो, सेंटर एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम का यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, कोर्स लेते हो, तो उसके लिए आपको सबसे बेस्ट कोर्स रहता है 1 ईयर और 2 ईयर का कोर्स, सबसे बेस्ट कोर्स रहता है 1 ईयर और 2 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन माना जाता है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि 1 ईयर और 2 ईयर की जो लंबी तैयारी है उसके अंदर आप 5-7 एग्जाम आसानी से दे सकते हो और लंबी तैयारी के दौरान आप अनएकेडमी के टॉप एजुकेटर के साथ मिलके लंबे समय तक अपनी तैयारी करते हो, बार बार टेस्ट एंड क्विजेज देते हो, तो बार बार आपको अच्छा कंटेंट मिलता है, अच्छे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, तो आसानी से आप एग्जाम को क्रेक कर पाते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग जो सब्सक्रिप्शन होता है वो 12 महीने का और 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट माना जाता है। अब देखो, बात करते हैं, यदि आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको ये
7,000 रुपए के अंदर मिलने वाला है। 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको 7,000 रुपए में मिलेगा। इसी के साथ 24 मंथ्स का, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको 8,400 रुपए में मिलने वाला है, 8,400 रुपए में मिलने वाला है। इसके साथ यदि आप 12 महीने का कोर्स लेते हो और इसके अंदर मेरा रेफरल कोड विकास01, याद रखना आपको विकास01 रेफरल कोड यदि आप यूज करते हो तो इस कोर्स के अंदर आपको 10% डिस्काउंट ऑटोमेटिकली ही मिल जाएगा और ये कोर्स 6,300 रुपए का 7,000 से होकर 6,300 का आपको मिल जाएगा। इसी के साथ 2 ईयर की बात करते हैं, 2 ईयर का कोर्स आपको 8,000 रुपए में मिलता है, लेकिन आप मेरे रेफरल कोड विकास01 का यूज करते ही आपको 10% डिस्काउंट के साथ 7,560 रुपए में ये कोर्स आपका स्ट्रक्चर कोर्स आपको मिल जाता है। इसके बाद अपना जो टॉपिक की सीरीज चल रही थी रीट 2020 साइकोलॉजी की, उसके अंदर अपने यूनिट फर्स्ट चल रही थी, जिसके अंदर अपने एक लेक्चर उसके अंदर देखा था, जिसके अंदर अपने क्या पढ़ा था, बाल विकास, वर्दी और विकास की संकल्पना, यानी वर्दी और विकास का कंसेप्ट अपने देखा था। और इसके अंदर आगे क्या पढ़ेंगे, विकास के विभिन्न आयाम, सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, वंश क्रम और वातावरण की भूमिका, सब कुछ अपन इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। बाल विकास को, CDP को कंप्लीट देखने वाले हैं, 1000 MCQ भी देखने वाले हैं और सभी डेफिनेशन को बाल विकास की। एक बात और बता दो बेटा आपको, CDP की जितनी डेफिनेशन है, जितनी भी परिभाषाएं हैं, कम से कम 200-300 परिभाषाएं होंगी CDP की, तो इन सभी परिभाषाओं को अपन एक साथ पढ़ने वाले हैं, अच्छे से पढ़ने वाले हैं, नहीं इनको याद करने वाले हैं, अच्छे से इनका कॉन्सेप्ट बना के अपन याद करेंगे क्लास के अंदर ही। और साथ में 1000 MCQ ओनली CDP से ही पढ़ने वाले हैं, केवल CDP ही से पढ़ने वाले हैं 1000 MCQ। तो देखना है आपको, रेगुलर बने रहना है मेरे साथ। तो अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ आज अपने CDP का पार्ट सेकंड, CDP का पार्ट फर्स्ट हो गया अपना, तो आज बात करते हैं CDP का पार्ट सेकंड। CDP के पार्ट सेकंड में बात करेंगे अपन वर्दी व विकास के कंसेप्ट की बात कर रहे थे, तो उसके अंदर वर्दी व विकास के कंसेप्ट से पहले हल्का सा मैं आपको बता दूं कि हमने देखा था कि वर्दी है ग्रोथ, वो ग्रोथ के अंदर मात्रात्मक पहलुओं का विकास होता है, पढ़ा था आपने। इसके बाद परिपक्वता आती है, मेच्योरिटी आती है, जिसके अंदर मात्रात्मक पहलू का वर्दी से एक थोड़ा सा उच्च किस्म की ये पहलू होता है, अच्छी क्वालिटी का पहलू होता है, इसके अंदर मेच्योरिटी आ जाती है। इसके बाद में होती है परिपक्वता से लर्निंग होती है, अधिगम होता है, जिसके अंदर अनुभव व अभ्यास के परिणाम स्वरूप अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होते हैं, अपेक्षाकृत स्थायी या तुलनात्मक स्थायी परिवर्तन होते हैं व्यवहार के अंदर, उसे अधिगम बोलते हैं। अधिगम के परिणाम स्वरूप क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। विकास व्यक्ति के विभिन्न पहलुओं का विकास माना जाता है, जिसके अंदर सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक, चारित्रिक, सभी प्रकार के पहलुओं का एक साथ एकीकृत रूप देखा जाए तो उसको बोलेंगे हम डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो गया, विकास हो गया। ये बात अपने पढ़ी थी, ये आपका इस चैप्टर का CDP का सबसे बेस्ट कंसेप्ट ये है कि वर्दी होती रहेगी, धीरे धीरे वर्दी के साथ एक फिक्स टाइम आएगा। जैसे 2 माह का बच्चा है, आसानी से खड़ा नहीं हो सकता है, 8 माह में हल्के से आराम से बच्चा खड़ा हो सकता है, तो 2 माह में खड़ा नहीं हो सकता है, 8 माह में खड़ा होने लगेगा। तो देखो यहाँ पर वर्दी बच्चे की स्टार्ट है, वर्दी चल रही है, साथ साथ वर्दी चल रही है, लेकिन 8 माह की उम्र में उसके अंदर क्या आ गई, मेच्योरिटी आ गई, परिपक्वता आ गई, यानी वर्दी का उच्च स्तर क्या है, परिपक्वता है, मेच्योरिटी है। इसी के साथ अपने लर्निंग देखा था, लर्निंग क्या है, अनुभव या अभ्यास के द्वारा अपेक्षाकृत या तुलनात्मक स्थायी परिवर्तन क्या है, अधिगम है, लर्निंग है। लर्निंग के साथ में बाद में क्या आने वाली स्टेज क्या है, डेवलपमेंट, बच्चे का डेवलपमेंट होता है। अब बात करते हैं आज अधिगम और परिपक्वता, मेच्योरिटी एंड लर्निंग में अंतर, डिफरेंट बिटवीन लर्निंग एंड मेच्योरिटी, अधिगम और मेच्योरिटी में क्या अंतर है, परिपक्वता में अंतर क्या है, इन दो कॉन्सेप्ट को अपन देखने वाले हैं। तो अपन ने देखा है अभी वर्दी के परिणाम स्वरूप परिपक्वता आती है, और परिपक्वता ये क्या है, अधिगम, और ये क्या है, विकास, ये
प्रोसेस चलता रहता है, सीडीपी के अंदर बाल विकास के अंदर यह चलता रहता है। अब देखते हैं अधिगम और परिपक्वता में क्या अंतर है। तो अधिगम की बात करें तो अधिगम की कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर करवाया था, एक बार आपको दोबारा बता देता हूं मैं, अधिगम क्या होता है देखना, अधिगम क्या है। तो अधिगम का कंसेप्ट के अंदर आपको दो बात याद रखनी है, जैसे मान लो ये ए एक पोजिशन है और ये एक बी पोजिशन है, दो कंसेप्ट है। यहां पर एक बच्चा है वो दौड़ लगा रहा है, दौड़ना सीख रहा है, और यहां पर बच्चे ने गोल्ड मेडल जीता, दौड़ में गोल्ड मेडल जीता। ये कंडीशन बच्चे की, ए कंडीशन में बच्चा दौड़ रहा है, इसका इस इतनी दूरी का, इतनी यहां तक बी तक पहुंचने का क्या क्या इसने अनुभव लिया और अभ्यास किया, अनुभव किया और अभ्यास किया। यहां पर बच्चे का क्या हुआ, विकास हुआ, यानी दौड़ते 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 उसने अपना इतना विकास कर लिया, इतना डेवलपमेंट कर लिया कि वो कुछ समय के बाद गोल्ड मेडल हासिल करके लाया है। तो ए की तुलना में बी ने, ए की तुलना में बी में क्या हुआ, व्यवहार में परिवर्तन हुआ, व्यवहार में परिवर्तन हुआ, और ए की तुलना में हुआ। तो तुलनात्मक, तुलनात्मक को अपेक्षाकृत बोल सकते हो आप, अपेक्षा में, अपेक्षाकृत स्थाई है ये। तो तुलनात्मक या अपेक्षाकृत व्यवहार में परिवर्तन हुआ, किसके कारण हुआ, उसके एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के द्वारा हुआ, अनुभव और अभ्यास के कारण हुआ। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे अपन लर्निंग। तो लर्निंग क्या है, व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत या तुलनात्मक परिवर्तन जो अनुभव और अभ्यास के फलस्वरूप होता है, क्या कहलाता है, अधिगम या लर्निंग कहलाती है। परिपक्वता, परिपक्वता कैसे आती है, वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या आती है, परिपक्वता आती है। बेटा अधिगम और परिपक्वता में क्या है, अंतर है, दोनों एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं, क्या परिपक्वता से अधिगम हो सकता है, परिपक्वता के कारण अधिगम होता है या नहीं। देखो क्वेश्चन आपका है बेटा, देखो कंसेप्ट आपके तैयार हो गया है, अब क्वेश्चन आता है आपके लिए, क्वेश्चन आता है क्या परिपक्वता से अधिगम होता है। ऑप्शन सुन लेना, नहीं, हाँ, कभी कभी, सभी। देखो क्या परिपक्वता मैच्योरिटी से लर्निंग होता है, क्वेश्चन आया हुआ है आपकी रीट एग्जाम में, रीट एग्जाम 2016 का पेपर था या 15 का पेपर था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या परिपक्वता से अधिगम होता है, मैच्योरिटी से लर्निंग होता है। तो इसके अंदर ऑप्शन आप क्या करोगे, नहीं, हाँ, कभी कभी, सभी। इसके अंदर सभी है या कभी कभी हो सकता है, हाँ, नहीं। तो देखो कंसेप्ट अपना क्या था कि अधिगम और परिपक्वता, परिपक्वता क्या है, वृद्धि के, वृद्धि का जो उच्च स्तर है, वृद्धि का उच्च स्तर क्या है, परिपक्वता। मैंने बात की थी, देखो 2 माह का बालक आसानी से खड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन 8 माह में वो खड़ा होने लगता है। तो यहां पर क्या हो गया, ये परिपक्व हो गया, ठीक है। बात मैंने की थी, अभी एक एग्जाम्पल देखा अनुभव का, अधिगम का, ए और बी। अब देखो ये यहां पर परिपक्व हो गया, अब परिपक्व हो गया और 5 वर्ष में ये क्या हुआ, चलने लगा, दौड़ने लगा, सॉरी चलने लगा, चलने लगा, और 5 वर्ष से 15 वर्ष ये चल रहा है, चल रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, चलता रहा है। और देखो अब इसको बोले कि 15 वर्ष की उम्र में, 15 वर्ष में चल रहा है, अब इसको बोले कि 18 वर्ष की उम्र में इसको ओलंपिक के अंदर दौड़ में जाना है, एथलेट्स के अंदर दौड़ना है, इसको एक मैराथन दौड़ करनी है। तो बताओ ये दौड़ में सफल हो पाएगा या नहीं, दौड़ में सफल नहीं होगा। अरे क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहां पर अपन बोल सकते हैं इसकी ये परिपक्व हो गया, बिल्कुल परिपक्वता इसके अंदर आ गई। देखो 18 वर्ष की उम्र है, इसके अंदर परिपक्वता चलने में आ गई, चलने की परिपक्वता इसके अंदर देखो 5 वर्ष के अंदर आ गई थी, बच्चा 5 वर्ष में आसानी से चलने लग जाता है। तो यहां पर इसकी परिपक्वता 5 वर्ष की उम्र में आ गई थी, लेकिन 18 वर्ष का होते हुए भी वह गोल्ड मेडल नहीं जीत पा रहा है, जबकि इसको कितने वर्ष हो गए चलते चलते, 5 से 13 वर्ष इसको चलते चलते हो गए, फिर भी ये गोल्ड मेडल नहीं जीत पा रहा है। क्यों नहीं जीत पा रहा है,
अरे परिपक्व हो गया फिर भी क्यों नहीं जीत पा रहा है, इसके अंदर लर्निंग नहीं हुई। तो बताओ परिपक्वता से लर्निंग हो सकती है क्या? परिपक्वता से लर्निंग कभी नहीं होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या परिपक्वता से लर्निंग होता है? तो नहीं बेटा, कंसेप्ट अच्छे से समझ लेना। आपको परिपक्वता से अधिगम होता है? नहीं होता है। व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, तुलनात्मक स्थायी होना चाहिए, अनुभव और अभ्यास के द्वारा होना चाहिए, तो भी है वही अधिगम हो सकता है, उसके अंदर ही लर्निंग है। एक बात समझ में आई आपके बेटा? बात करते हैं सेकेंड, नेक्स्ट बात करते हैं। इन दोनों में डिफरेंट देखते हैं अपन, अधिगम और परिपक्वता में अंदर क्या है। जो फर्स्ट अंतर है वो है, अधिगम चेतन मन से होता है। यदि आप वर्तमान में कुछ कार्य कर रहे हो, वर्तमान में आपकी प्रैक्टिस चल रही है, एक्सपीरियंस चल रहे हैं, तो अधिगम होगा, लर्निंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और परिपक्वता अचेतन मन से होती है, ये जन्मजात प्रोसेस है, अपने आप चलती रहती है। एक विशेष टाइम आने पर अपने आप बच्चा परिपक्व हो जाता है, किशोरावस्था तक आते आते बच्चा परिपक्व हो जाता है, उसके शरीर के अंदर कुछ हार्मोन जनरेट होने लगते हैं, अपने आप उसके अंदर परिवर्तन आने लगते हैं। तो परिपक्वता एक निश्चित उम्र के अंदर अपने आप आने लगती है, यानी ये क्या है, एक जन्मजात प्रक्रिया है, यानी अचेतन मन से होने वाली प्रक्रिया है, जबकि अधिगम चेतन मन से यानी वातावरण से अर्जित होने वाली प्रक्रिया है। चेतन मन का मैंने बताया 10% होता है और अचेतन मन का 90% होता है। ऐसे याद नहीं रहे तो आपको याद रखना है चेतन और अचेतन। देखो चेतन में नाम कम है तो 10%, अचेतन में नाम ज्यादा है तो 90%। क्लियर होगी बात? तो चेतन 10% होता है मन का, अचेतन 90% होता है, अधिगम चेतन मन से होता है, वातावरण से अर्जित होता है, परिपक्वता अचेतन मन से होती है और जन्मजात होती है। बात करें थर्ड, यह जन्म से मृत्यु तक चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। लर्निंग आप कहीं पर भी, कहीं पर भी किसी के द्वारा किसी भी टाइम ले सकते हो। अधिगम आपको कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जबकि परिपक्वता गर्भावस्था से स्टार्ट होकर एक सीमित अवधि मध्य किशोरावस्था, किशोरावस्था तक चलने वाली एक प्रोसेस है। तो एक सीमित अवधि तक चलती है और एक जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखो, लर्निंग अधिगम के परिणाम स्वरूप विकास होता है। हाँ, अधिगम के परिणाम स्वरूप विकास होता है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये याद रख लेना बेटा। अधिगम के परिणाम स्वरूप ही क्या होता है, विकास, डेवलपमेंट होता है। एक बच्चा है, मैंने बात बताई थी कि बच्चा 15 वर्ष की उम्र में क्या जीत रहा है, गोल्ड मेडल जीत लिया। तो बच्चे का क्या हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ क्या, विकास नहीं हुआ क्या बच्चे का? बच्चे का विकास हो गया, शारीरिक विकास हुआ उसका, सामाजिक विकास हो गया, संज्ञानात्मक उसने कुछ जाना है, उसके नैतिकता आई है उसके अंदर, तो उसका विकास हुआ है। तो सभी पहलुओं का विकास हो रहा है। विकास क्या है, एकीकृत रूप है, जो चारों तरफ के जो पहलू है सभी का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट है। तो बताओ अधिगम के परिणाम स्वरूप किस घटना का काम होता, कौन सी घटना घटित होती है? तो विकास। तो अधिगम के परिणाम स्वरूप विकास होता है, जबकि परिपक्वता वृद्धि के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या आती है, परिपक्वता आती है, मैंने बात बताई आपको। अधिगम, अधिगम क्या होता है, गुणात्मक होता है, अधिगम के अंदर गुणात्मक पहलुओं का विकास होता है, सभी पहलुओं का विकास होता है, गुणात्मक प्रोसेस है। जबकि परिपक्वता क्या होती है, मात्रात्मक होती है, मात्रात्मक होती है, लंबाई में वृद्धि, नाखूनों में वृद्धि हो रही है, दांतों का आना, ये सभी क्या है, परिपक्वता के संकेत है। तो ये मात्रात्मक पहलू है अधिगम। यह सभी में अलग अलग होता है, अधिगम सभी में अलग अलग होता है, सभी में अलग अलग होता है। जो जितना अभ्यास करेगा, जितने अनुभव लेगा, उसमें उतना ही अधिगम होगा, उतने ही ज्यादा वो चीजें सीखेगा, उतना ही ज्यादा लर्निंग करेगा। तो ये सभी में क्या होता है, अलग अलग होता है, एक उम्र में फिक्स नहीं है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रोसेस है। तो अधिगम सभी में अलग अलग होता है, किसी भी टाइम हो सकता है, लेकिन ये परिपक्वता सभी में लगभग समान होती है, परिपक्वता लगभग समान होती है। देखो 8 माह का बालक खड़ा होना सीख जाता है, तो देखो लगभग बालक इसी टाइम 8, 7, 9 महीने के अंदर खड़ा होना शुरू कर देते हैं। तो लगभग समान होती है परिपक्वता, मेच्योरिटी लगभग समान होती है, जैसे दूध के दांत निकलना, तो ये लगभग समान उम्र के अंदर बच्चों के निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। एक किशोरावस्था के अंदर बालक के अंदर
अक्षमात परिवर्तन होते हैं, जिसे आवाज में परिवर्तन होना, चेहरे पर दाढ़ी मूंछों का आना, तो वो भी क्या है कि लगभग समान उम्र के अंदर आ जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। तो मेच्योरिटी क्या है, सभी में लगभग समान होती है। अधिगम के उदाहरण है गाना, नाचना, क्रिकेट करना, परिपक्वता, फलकों का झपकना, दांतों का उगना, ये क्या है, परिपक्वता के एग्जाम्पल है। अब अपने बात की थी एक क्वेश्चन पहले वाली वीडियो में देखा था अपने, और आज अपन बात करते हैं इस पूरे टॉपिक की, ये पूरा टॉपिक का कंसेप्ट बढ़ रहा है, तो इस क्वेश्चन को आपको दोबारा से अच्छे से समझना है। इसके इस क्वेश्चन से आपका वृद्धि, परिपक्वता, अधिगम और विकास, इन चारों का कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है अच्छे से। तो दोबारा से आपको समझना है इसको। देखो, एक दो माह का बालक ढंग से खड़ा नहीं हो सकता है, दो माह का बालक ढंग से खड़ा नहीं हो सकता है, पता है। आठ माह में वो धीरे धीरे चलने लगता है तथा पांच वर्ष में वह दौड़ने लगता है और पंद्रह वर्ष की उम्र में वह दौड़ में गोल्ड मेडल जीत लेता है। ये क्वेश्चन मैंने देखा तो पहले वाले वीडियो में एक बार आपको एक्सप्लेन किया था। इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखना, ये आपके चार कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, चार कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं बेटा। दोबारा से देखना इसको, क्या बता रहा है ये क्वेश्चन, क्या बात कर रहा है। दो माह का बालक है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, और आठ माह में धीरे धीरे चलने लगता है, और पांच वर्ष में वह दौड़ने लगता है, और पंद्रह वर्ष की उम्र में वह क्या करने लगता है, पंद्रह वर्ष की उम्र में गोल्ड मेडल बच्चे ने जीत लिया। तो देखना, दो माह में खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो देखो वृद्धि बच्चे की साथ साथ चल रही है, वृद्धि हो रही है, दो माह में खड़ा नहीं हो पा रहा है, लेकिन आठ माह में चलने लगता है। तो यहां पर देखो बच्चा क्या हो गया, परिपक्व हो गया, आठ माह में चलने लगता है, दौड़ नहीं सकता है, तो यहां पर इसकी वृद्धि साथ साथ चल रही है, पांच वर्ष में वह परिपक्व हो गया दौड़ के लिए, तो बच्चा दौड़ने लग गया। तो देखो वृद्धि साथ साथ में चल रही है, तो देखो दो माह में खड़ा नहीं हो पा रहा है, दो माह में खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो दो से आठ माह, दो से आठ माह इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और आठ माह में बच्चा क्या हो गया, परिपक्व हो गया, आठ माह में क्या हुआ, परिपक्व हो गया, चलने लग गया। फिर देखो पांच माह में दौड़ने लगे और पंद्रह माह में गोल्ड मेडल जीता, तो पांच से पंद्रह माह का जो दस साल का जो पीरियड है, उसने उस पीरियड के अंदर दौड़ के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत की है, अनुभव पाया है, अभ्यास किया है, तब उसने दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है। तो इस पांच वर्ष की तुलना में पंद्रह वर्ष के अंदर कुछ उसने व्यवहार में अपेक्षाकृत तुलनात्मक परिवर्तन किए हैं, इसलिए यहाँ पर ये दस वर्ष उसने क्या किया है, अधिगम किया है, दौड़ हेतु अधिगम किया है, दौड़ को सीखने के लिए, दौड़ का कंसेप्ट तैयार करने के लिए उसने क्या किया है, लर्निंग की है, दौड़ को सीखा है, दौड़ को जाना है, कैसे गोल्ड मेडल, कैसे दौड़ अच्छे से दौड़ की जा सकती है, उसने अभ्यास लिया है, अनुभव किया है, तो ये सब उसने दस वर्ष के टाइम पीरियड के अंदर उसने किया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अधिगम हो गया। पंद्रह वर्ष की उम्र में जो उसने 10 साल का जो उसका कार्यकाल था, 10 साल की जो मेहनत थी, लर्निंग थी, उस 10 साल का आउटपुट, उस 10 साल का आउटपुट उसको कब मिला, 15 वर्ष की उम्र में मिला, यानी उसका 15 वर्ष की उम्र में क्या हुआ, विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, जब हुआ, जब उसने विकास दौड़ में क्या हासिल किया, गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। तो 15 वर्ष की उम्र में उसका क्या हो गया, विकास हो गया, डेवलपमेंट हो गया, ई है उपरोक्त सभी। तो ये सभी क्वेश्चन आपके, सभी कंसेप्ट क्या आपके सही है, उपरोक्त सभी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ही शानदार कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये, आपको दिमाग में रखना है चारों कॉन्सेप्ट, वृद्धि क्या है, परिपक्वता क्या है, अधिगम क्या है, विकास क्या है, और चारों आपस में किस प्रकार से इंटरकनेक्टेड है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि विकास है, वृद्धि कैसी होती है, वृद्धि एक जन्मजात प्रक्रिया है, विकास क्या है, अर्जित प्रक्रिया है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विकास है, तो विकास में देखो वृद्धि भी होती है, विकास के अंदर वृद्धि की समस्त विशेषताएं आ जाती है, तो अर्जित भी है और जन्मजात भी है, तो दोनों इसके अंदर सही हो गए। दोनों क्वेश्चन अपने देख लिए थे कि विकास के अंदर वृद्धि की सभी विशेषता आ गई, तो वृद्धि क्या है, अर्जित होती, सॉरी जन्मजात होती है, और विकास क्या, अर्जित है, तो विकास है,
अकेला डेवलपमेंट की बात पूछे तो डेवलपमेंट क्या होता है, अर्जित भी होता है और जन्मजात भी होता है। दिमाग में रखना इस बात को, दोनों क्वेश्चन दिमाग में रखने हैं आपको। देखो इसीलिए मैंने दोबारा कराया इन क्वेश्चन को, वर्दी कोमा विकास है तो वर्दी क्या है, जन्मजात है, विकास है, अर्जित है, सही हो गया। यदि बात ये पूछे अकेला विकास है तो विकास अर्जित भी है और जन्मजात भी, क्योंकि विकास के अंदर वर्दी की समस्त विशेषता आ गई, तो दोनों है, अर्जित भी है और जन्मजात भी है। नेक्स्ट बात करते हैं, विकास की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है, मुख्य विशेषताएं होती है, बहुत ही शानदार यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना है आपको, एनसीईआरटी का कंसेप्ट बनने जा रहा है आपका, बहुत अच्छे से समझना है इनको कि विकास की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो इनमें फर्स्ट विशेषता की बात करते हैं, विकास गतिशील, विकास गतिशील क्रमबद्ध एवं पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है। देखो क्वेश्चन सीधा का सीधा ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विकास के बारे में निम्न में से सत्य कथन है, देखो विकास के बारे में सत्य है, तो इसके अंदर चार ऑप्शन दे देगा अगला, सत्य नहीं ऐसे डाल दिया मानो, तो इनमें चार ऑप्शन दे देगा, तीन ये विशेषताएं उठा के डाल दी, ऐसे कैसे चार नंबर को दूसरी डाल दी, तो क्या हो गया, आपको इन विशेषताओं को बहुत अच्छे से समझना है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आजकल की जो एग्जाम है, रीट है अपनी, उसके अंदर कॉन्सेप्ट बेस के ही क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखना है आपको विकास की मुख्य विशेषताएं, इनसे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड मैटर है, तो आपको ये देखना है। और अभी अपन क्या है, इसके साथ में इसके बाद में जैसे ही अपने चैप्टर पढ़ेंगे, कंप्लीट एमसीक्यू हो जाएंगे, सीडीपी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में अपन बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड फैक्चुअल अपन एमसीक्यू भी पढ़ेंगे, तो उन एमसीक्यू में ये पूरी सीडीपी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है। तो देखो विकास की मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं, इनमें फर्स्ट आता है विकास गतिशील क्रमबद्ध और पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है। देखो विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट किसका मॉडल है, किसका है, देखो डेवलपमेंट होता है गतिशील क्रमबद्ध और पूर्व कथनीय परिवर्तनों का, देखो वही प्रोसेस चल रही थी, डेवलप वर्दी परिपक्वता अधिगम विकास, देखो विकास एक गतिशील है, विकास एक गतिशील प्रोसेस है, ध्यान में रखना आपको विकास क्या है, गतिशील है, गतिशील प्रोसेस है विकास, जो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता रहता है, गतिशील है, ठीक है, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, क्रमबद्ध है विकास, एक क्रमबद्ध प्रोसेस से चलता है, क्रमबद्ध प्रक्रिया है, क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध प्रक्रिया होता है, जैसे बच्चा पहले चलता है तो पहले क्या है वो घुटने के बल चलता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, फिर वो चलने लगता है, फिर वो दौड़ने लगता है, तो ये विकास का एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, परिपक्वता आ गई उसके अंदर, फिर डेवलपमेंट हो गया, तो उसने 15 वर्ष की उम्र में क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता, तो उसके अंदर विकास का क्रम क्या था, एक फिक्स क्रम था, क्रमबद्धता थी, तो विकास क्रमबद्ध प्रक्रिया है। हाँ विकास की जो गति होती है उसके अंदर अंतर आ सकता है, विकास की गति के अंदर अंतर आ सकता है कि कोई बालक किसी चीज को मान लो 15 वर्ष की उम्र में सीखता है, कोई बालक ज्यादा उससे थोड़ा सा एडवांस है तो वो 13 वर्ष के अंदर सीख लेता है, तो विकास की गति में अंतर आ सकता है, समय में अंतर आ सकता है, लेकिन उसका जो सीखने का क्रम है वो बिल्कुल सेम रहता है, यानी विकास की प्रक्रिया क्या है, क्रमबद्ध प्रोसेस होती है, क्रमबद्ध प्रोसेस होती है। पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है, देखो पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है, देखो विकास क्या है, पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है, कैसे, देखो पूर्व कथन में क्या अंदर वृद्धि हुई, वृद्धि से परिपक्वता आई, फिर परिपक्वता से अधिगम, अधिगम से विकास, यानी बच्चे ने क्या किया था, उस एग्जाम्पल को याद रखना आपको इस कॉन्सेप्ट के लिए, 2 माह में बच्चा खड़ा नहीं हो सकता है, 8 माह में खड़ा होने लगा, परिपक्व हुआ, और परिपक्व होने के बाद 5 वर्ष में दौड़ने लगा, परिपक्व हो गया, और 5 से 15 वर्ष उसने 10 वर्ष इतना अभ्यास किया, अनुभव किया, तो अधिगम हुआ, उसके बाद में विकास हुआ, तो विकास क्या है, किसका प्रारूप है, इन सभी पूर्व कथनों का प्रारूप है, इन सभी पूर्व कथनों के परिवर्तनों का प्रारूप है, तो हम कह सकते हैं विकास एक गतिशील क्रमबद्ध और पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है। ऐसी की ऐसी एजिटिज लाइन आ सकती है एग्जाम के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं अभी, ध्यान से समझ लेना, एनसीईआरटी की लाइन है, सीधी की सीधी एग्जाम के अंदर आपकी आ सकती है,
याद रखना इस बात को आप कि विकास के बारे में सत्य कथन है, विकास गतिशील प्रोसेस है, गतिशील प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन, विकास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, विकास पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है। ये नाम समझ लेना, ढंग से समझ लेना, ये अलग नाम है। उपरोक्त सभी, तो इसके अंदर क्या हो गया, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, विकास अधिक प्रगति, विकास अधिक प्रगति, अधिक प्रकटीकरण अनफोल्डमेंट और अधिक परिपक्वता की ओर जाना है। देखो अधिक परिपक्व होना, बच्चा 15 वर्ष की उम्र में बहुत ज्यादा परिपक्व हो गया, दौड़ दौड़ के बहुत उसके अंदर परिपक्वता आ गई, उसने लर्निंग कर ली। तो विकास क्या, एक प्रगति, एक क्रमबद्धता, एक गतिशीलता, एक प्रगति, प्रकटीकरण, प्रकटीकरण किसी चीज को प्रकट करना अच्छे से, और अधिक परिपक्वता की ओर जाना क्या है, विकास की प्रक्रिया है। तो ये आपको याद रखना है, विकास अधिक प्रगति, अधिक प्रगति, अधिक प्रकटीकरण और अधिक परिपक्वता की ओर जाना, अधिक मेच्योरिटी की ओर जाना, अधिक लर्निंग करना। तो बच्चे ने बहुत ज्यादा लर्निंग की, अभ्यास किया, अनुभव किया, तो वह बच्चा परिपक्वता की ओर चला गया, उसने 15 वर्ष की उम्र में गोल्ड मेडल जीत लिया। तो अधिक प्रगति की, उसने अधिक प्रकटीकरण हुआ और अधिक परिपक्वता की ओर जाना, ये सब क्या है, विकास की विशेषताओं के अंदर आते हैं। नंबर 3 बात करते हैं, विकास निर्वात में घटित नहीं होता है, विकास निर्वात में घटित नहीं होता है। यह विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में सन्निहित होता है। यानी विकास की जो प्रक्रिया है वो निर्वात में नहीं चलती है, निर्वात में घटित नहीं होती है। बात याद रखना इसको, यह ऐसी की ऐसी लाइन आएगी, विकास के बारे में सत्य कथन है, विकास निर्वात में घटित नहीं होता है, विकास निर्वात में घटित होता है, विकास पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट आएंगे आपके। तो समझना, अपन जब एमसीक्यू पढ़ेंगे तो सभी को, इनको सभी को बारीकी से पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर और अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट तैयार होंगे। तो विकास निर्वात में घटित नहीं होता है। देखो निर्वात का मतलब क्या है, निर प्लस वात, निर मतलब होता है नहीं, वात का मतलब वायु, जहां पर वायु नहीं है, जहां पर वायु नहीं है मतलब वायुमंडल नहीं है, वहां पर वातावरण नहीं है, जहां पर एनवायरमेंट नहीं है, ऐसी जगह उसको बोलेंगे निर्वात, जहां पर कुछ नहीं है, सामाजिक सांस्कृतिक कुछ भी वातावरण नहीं है, एनवायरमेंट नहीं है, सामाजिकता कुछ भी नहीं है, उसको बोलेंगे निर्वात, यानी निर यानी नहीं, वात यानी वायु। जहां पर वायु नहीं है तो वायु नहीं, तो वायुमंडल नहीं होगा, वायुमंडल में एनवायरमेंट कहां से आ गया, तो वहां पर कुछ नहीं है, शून्य है, तो शून्य के अंदर निर्वात के अंदर विकास घटित नहीं हो सकता है। विकास कैसे घटित होगा, विकास के अंदर सामाजिक पहलुओं का विकास होना जरूरी है, सांस्कृतिक पहलुओं का विकास है, सामाजिक है, बौद्धिक है, नैतिक है, चारित्रिक है, सभी पहलुओं का विकास, तो यह निर्वात में घटित नहीं होता है। यह विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में सन्निहित होता है, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ, यानी सामाजिक, सामाजिकता आनी चाहिए तभी विकास, और सांस्कृतिक पहलू होने चाहिए, सभी एकीकृत रूप में आने चाहिए तभी क्या है, विकास की प्रोसेस होगी। सामाजिक सांस्कृतिक नैतिक सभी इसके अंदर पहलुओं का एकीकृत समन्वय होता है तभी विकास की घटना कंप्लीट होती है, यानी विकास निर्वात में घटित नहीं होता है। नंबर 4 बात करते हैं, विकास सार्थक वृद्धि के अभाव में भी हो सकता है, विकास सार्थक वृद्धि के अभाव में भी संभव है। देखना इसको, देखो वृद्धि की बात की थी मैंने, वृद्धि के बारे में बताया था कि वृद्धि की समस्त विशेषताएं विकास के अंदर शामिल है, वृद्धि की सभी विशेषताएं किसके अंदर शामिल है, विकास के अंदर शामिल है। तो बताओ वृद्धि के अभाव में विकास हो सकता है क्या, देखो विकास सार्थक वृद्धि, नाम जोड़ा है मैंने, सार्थक वृद्धि के अभाव में भी संभव है, यानी सार्थक वृद्धि के अभाव में भी विकास संभव है। देखो उदाहरण देखना, यदि किसी व्यक्ति का जैसे मान लो पैर क्षतिग्रस्त हो गया, पैर टूट गया, उसके बाद भी वह व्यक्ति दौड़ के अंदर गोल्ड मेडल, एथलीट के अंदर, वो खेल के अंदर अग्रणी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि विकास उसकी सार्थक वृद्धि नहीं है, पैर उसका पैर का विकास सही नहीं हुआ है, पैर की वृद्धि सही नहीं हुई है, फिर भी वो आसानी से क्या कर सकता है, विकास कर सकता है। तो विकास सार्थक वृद्धि के अभाव में भी हो सकता है, इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है, जैसे विकास सार्थक वृद्धि के अभाव में भी संभव है, यानी किसी अंग के क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी खेल में अग्रणी होना। नेक्स्ट 5 नंबर विशेषता है, विकास में मुख्यतः संवर्धी वृद्धि और ह्रास, संवर्धि और ह्रास
जो वृद्धावस्था में देख जाते हैं दोनों ही तरह के परिवर्तन निहित होते हैं, यानी विकास में क्या होती है, वृद्धि भी होती है और ह्रास दोनों के गुण लक्षण विकास के अंदर पाए जाते हैं। कि कुछ कंसेप्ट वृद्धि के पाए जाएंगे, वृद्धि भी होगी इसे लंबाई में वृद्धि, वजन में वृद्धि, सभी में ऐसे कंसेप्ट वृद्धि के भी होंगे और साथ साथ में दूसरी तरफ आपको ह्रास भी देखने के लिए मिलेगा। तो वृद्धि का मतलब यहाँ पर आपको लाभ हो रहा है लाभ, और यहाँ पर क्या हो रही है हानि हो रही है, तो हानियां और लाभ मतलब प्राप्तियां दोनों देखने के लिए आपको मिलेगी विकास में। तो ये ह्रास की जो कंडीशन है और ये दोनों कंडीशन प्राप्तियां और हानियां आपको वृद्धावस्था के अंदर देखने को मिलेगी। वृद्धावस्था से पहले आपको हानि नहीं मिलेगी, प्राप्तियां लाभ ही लाभ मिलेंगे। तो दोनों तरह के परिवर्तन विकास में निहित होते हैं, तो याद रखना इस बात को, विकास में निहित है। विकास में क्वेश्चन आ सकता है, देखो क्वेश्चन आ सकता है, विकास में निहित है। देखो प्राप्तियां हानियां दोनों कोई नहीं, तो देखो प्राप्तियां भी होती है और हानियां भी होती है, ध्यान रखना इस बात को। अपन क्या करेंगे, प्राप्तियां विकास में तो हमें केवल प्राप्ति प्राप्त होता है, अपन यह करेंगे, लेकिन वहां पर अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, विकास में बेटा वृद्धावस्था के अंदर कुछ हानियां भी होती हैं, ह्रास की ओर अपनी बॉडी चलती है, तो वृद्धावस्था के अंदर हानियां भी होती हैं और विकास भी होता है, प्राप्तियां और हार्दियां दोनों के लक्षण आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, विकास बहुदिश होता है, यानी विकास बहुदिश मतलब दो दिशाओं में चलता है, बहुदिश मतलब एक से अधिक दिशा हो गई बहुदिश। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो वृद्धि और ह्रास दोनों होते हैं, अभी बात की थी। उदाहरण के लिए प्रौढ़ों के अनुभव, जो वृद्धों के या प्रौढ़ों के अनुभव है उन्हें अधिक बुद्धिमान बना सकते हैं। प्रौढ़ों के अनुभव क्या है, किशोरों से बहुत ज्यादा है तो उनको अधिक बुद्धिमान बना सकते हैं, जबकि उम्र बढ़ने के साथ साथ कार्य करने की गति कुशलता में कमी, ह्रास या हानियां होने लगती है। अर्थात वृद्धावस्था या प्रौढ़ों में प्राप्तियां व हानियां दोनों दिखाई देती हैं। यहां पर आपका कंसेप्ट आ गया, देख लो क्वेश्चन आएगा विकास में निहित है, तो ऑप्शन आएंगे प्राप्तियां, केवल प्राप्तियां, केवल हानियां, प्राप्तियां हानियां दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मैं 100% कहता हूं आपका फर्स्ट ऑप्शन आएगा केवल प्राप्तियां, और आप टिक करोगे केवल प्राप्तियां। क्यों, कि विकास में हमने क्या जाना है, विकास में हमने जाना है कि हमारा बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, यानी हमने कुछ प्राप्त किया है, ज्यादा से ज्यादा मिला है, ज्यादा से ज्यादा लाभ हुए हैं, लेकिन वृद्धावस्था के अंदर हमें हानियां भी देखने को अंदर मिल रही है। देखो कैसे, प्रौढ़ों के अनुभव हमें अधिक बुद्धिमान बनाते हैं, बना सकते हैं, जबकि उम्र बढ़ने के साथ प्रौढ़ों की कार्य करने की गति में देखिए आ रही है कमी आ रही है, कुशलता में कमी आ रही है। तो ये गति उनकी स्पीड में कमी आ रही है, उनकी कुशलता में कमी आ रही है, क्या है, हानियां ही है, ये विकास के एक पहलू है। तो विकास के अंदर हमें ह्रास सॉरी वृद्धि और लाभ, प्राप्तियां और हानियां दोनों देखने के लिए मिलती है, वो भी किस अवस्था में, वृद्धावस्था में मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, वृद्धि विकास एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं, एक दूसरे के होते हैं पूरक होते हैं, पूरा करने वाले होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। वृद्धि को विकास से विकास की प्रक्रिया को किसने पूरा किया, वृद्धि ने किया, कैसे किया, देखो पूरक कैसे है, पूरक का मतलब होता है पूरा करने वाले, पूरक कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट देखो पूरा करने वाले, देखो कैसे, देखो मैंने बताया था आपको विकास, विकास के अंदर सभी पहलुओं का एकीकृत विकास, तभी वो क्या आएगा, विकास की श्रेणी में आएगा, जिसके अंदर शारीरिक पहलू है, मानसिक है, सामाजिक है, सभी पहलू आ गए। तो शारीरिक पहलू की बात करूं मैं, यदि शारीरिक विकास की बात करूं, तो शारीरिक विकास की बात करूं तो वहां पर वृद्धि का कंसेप्ट आ जाएगा। तो ये देखो वृद्धि साथ साथ हो रही है, तो वृद्धि के सभी गुण किसके अंदर आ गए, विकास के अंदर आ गए। तो देखो विकास का कुछ काम, विकास के एक पहलू का काम किसने कर दिया, वृद्धि ने कर दिया, तो वृद्धि ने विकास का काम क्या कर दिया, पूरा कर दिया, पूरक। तो इसको इसलिए इन दोनों को आपस में क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट बोलते हैं, पूरा करने वाले, पूरक है ये दोनों आपस में, एक दूसरे के विपरीत नहीं है, पर्याय नहीं है। परीक्षा में प्रश्न आता है वृद्धि और विकास एक दूसरे के हैं, ऑप्शन आएंगे पूरक, एक दूसरे के पर्याय, एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से भिन्न, तो आपको करने पूरक।
पूरा करने वाला कॉम्प्लीमेंट। इसी प्रकार विकास भी वृद्धि के अंदर कुछ बेनिफिट्स देता है और वृद्धि विकास के एक शारीरिक पहलू का विकास कर देता है, इसलिए वृद्धि और विकास एक दूसरे के हैं, पूरक है, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। नेक्स्ट है, विकास ऐतिहासिक दशाओं से भी प्रभावित होता है। ऐतिहासिक जो दशाएं होते हैं उनसे भी प्रभावित हो सकता है। ऐतिहासिक दशाओं से कुछ बालक ऐतिहासिक दशाओं को याद करके, ऐतिहासिक दृश्य को याद करके अपना विकास कर लेते हैं, अपने अंदर कुछ ऐसी भावनाएं रख लेते हैं, अपने नैतिक विकास का, अपने चारित्रिक विकास का किसी एक महापुरुष को जीवनी को दिमाग में रखे, एक विशेष ऐतिहासिक घटना को दिमाग में रखे अपना विकास कर लेते हैं, अपनी चारित्रिक हो गया, नैतिक विकास हो गया, अपने विकास के एकीकृत रूप को बढ़ा लेते हैं। नेक्स्ट बात आती है, विकास लचीला या संशोधन योग्य होता है। विकास लचीला हो सकता है या संशोधन योग्य हो सकता है, इसके अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं विकास के अंदर। देखो कैसे विकास लचीला और संशोधन योग्य कैसे होता है। जैसे आपने रीट 2018 दी, इसके अंदर आपके नंबर आए बेटा 110। अभी आप रीट 2020 की तैयारी कर रहे हो तो बेटा इसके अंदर आपके नंबर आ रहे हैं 130। तो देखो आपने इसके अंदर यहां से यहां तक के विकास के अंदर क्या हुआ, यहां पर आपका ये विकास था और आप यहां पर ये विकास डेवलपमेंट कर रहे हो। तो देखो इसके अंदर आप 2018 से 2020 तक कुछ संशोधन कर रहे हो, यानी ये लचीला है, इसके अंदर आप संशोधन कर सकते हो, आपकी मेहनत होनी चाहिए, आप इसके अंदर संशोधन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और बेटा अपनी ये जो सीरीज है CDP और इसके अंदर अपना जो मिशन लिया था अपने मिशन 130+, तो ये अपन ये संशोधन करने वाले हैं, विकास लचीला व संशोधन योग्य है, तो अपने टारगेट को अपन अचीव करने वाले हैं, मिशन 130+ को अपन अचीव करने वाले हैं। तो ये अपन यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं कि विकास लचीला व संशोधन योग्य होता है, क्यों होता है, इसके अंदर संशोधन किस प्रकार से कर सकते हैं, कि विकास से पहले आपको क्या करना होगा, लर्निंग। तो अधिगम आप कहीं पर भी किसी भी टाइम आप अधिगम कर सकते हो। इसलिए देखो आपने 2018 में 110 नंबर लाए, अब देखो आप अनअकैडमी राजस्थान 360 के साथ मेरे साथ आप जुड़ के साइकोलॉजी के अंदर, CDP के अंदर, टीचिंग मेथड के अंदर बार बार मेहनत कर रहे हो, अनुभव अधिगम ले रहे हो, तो बेटा आप 110 से 130 तक पहुंच गए 2020 के अंदर। तो आपने अनुभव किया, अभ्यास लिया, एक्सपीरियंस लिए, प्रैक्टिस की, तो कुछ व्यवहार में आपके परिवर्तन हुआ, अधिगम हुआ, तो ये आपके विकास को क्या, डेवलपमेंट को क्या कर देते हैं, चेंजेस कर देते हैं, यानी संशोधन इसके अंदर कर देते हैं, और आपके 130+ मार्क का जो मिशन है वो आपका सक्सेसफुल हो जाता है और अपना टारगेट अपन अचीव कर लेते हैं। तो विकास लचीला और संशोधन योग्य होता है। नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, विकास जैविक संज्ञानात्मक समाज सामयिक प्रक्रियाओं की प्रक्रिया से प्रभावित होता है। देखो परीक्षा में प्रश्न आएगा विकास निम्न में से किससे प्रभावित होता है, तो विकास देखो किससे प्रभावित होता है, जैविक प्रक्रम से प्रभावित होता है, वंशानुक्रम से प्रभावित होता है विकास। संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक का मतलब है ज्ञान, अवबोध, जानना, आप जो कुछ भी जान रहे हो, जो कुछ भी ज्ञान ले रहे हो उससे भी आपके विकास पर इफेक्ट पड़ेगा, आपने अच्छा ज्ञान लिया तो अच्छा विकास हो रहा है, नैतिकता अच्छी आ रही है आप में। देखो समाज और सामयिक प्रक्रिया, समाज का मतलब यहाँ हो गया आपका सामाजिक विकास, सामयिक यानी संवेगात्मक विकास, इन सभी प्रक्रियाओं का विकास पे प्रभाव इफेक्ट पड़ता है। देखो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट देखो समाज सामयिक प्रक्रिया, सोशल इमोशनल प्रोसेस, जैविक प्रक्रिया बायोलॉजिकल प्रोसेस, संज्ञानात्मक प्रक्रिया कॉग्निटिव प्रोसेस, इन सभी का विकास पे प्रोसेस पे प्रभाव पड़ता है, डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं ये सभी प्रोसेस। जैविक प्रक्रिया वंशानुक्रम से मिलती है आपको, वंशानुक्रम पढ़ने वाले हैं अपन। समाज सामयिक प्रक्रिया आपके सामाजिकता, सामाजिकता के गुण आपको वातावरण आपके एनवायरमेंट से मिलते हैं, समाज सामयिक प्रक्रिया ये भी विकास को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार संज्ञानात्मक प्रक्रिया आपने क्या ज्ञान लिया है, क्या ज्ञान सीखा है, कॉग्निटिव प्रोसेस ये भी आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। देखो किस प्रकार से प्रभावित करती है विकास। फर्स्ट बात आती है जैविक प्रक्रिया से विकास किस प्रकार से प्रभावित होता है।
बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस ये किसका मतलब क्या है, ये वंशानुक्रम से प्राप्त होता है। वंशानुक्रम से प्राप्त होता है, जैसे लंबाई है, वजन है, ब्रेन है, हार्ट बीट है। देखो लंबाई है, वजन है, जीव विकास को किस प्रकार से वंशानुक्रम प्रभावित कर रहा है देखना आप। देखो वंशानुक्रम से बच्चे को उनके जीन कोष के अनुसार क्या मिल रही है, बच्चे की लंबाई और वजन और हेल्थ, उसकी पर्सनैलिटी मिल रही है। तो ये उसके विकास के शारीरिक पहलुओं को इफेक्टिव करेगा, यानी शारीरिक पहलुओं को प्रभावित करने वाला है। शारीरिक पहलू का विकास है वो प्रभावित होने वाला है जैविक प्रक्रिया से। क्यों, वंशानुक्रम से प्राप्त होगा। वंशानुक्रम के जीन मैपिंग के अनुसार जो जीन की प्रोसेस है, आपको जो वंश सूत्र मिलते हैं उनके अकॉर्डिंग आपकी लंबाई, आपकी पर्सनैलिटी, आपका वजन, आपका रंग रूप ढांचा पूरा उसके अकॉर्डिंग वंशानुक्रम से मिलता है, तो आपके ये शारीरिक विकास को प्रभावित कर देता है। तो जैविक प्रक्रिया से विकास प्रभावित होता है। इसके बाद बात करते हैं संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस से किस प्रकार से विकास प्रभावित होता है, तो उसके लिए देखते हैं। देखो ज्ञान और अनुभव, ज्ञान और अनुभव, जो आपने ज्ञान लिया है, जो आपके एक्सपीरियंस है, ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने, ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने तथा इनसे संबंधित मानसिक क्रियाओं, इनसे संबंधित मानसिक क्रियाओं जैसे चिंतन, अवधान और समस्या समाधान आदि, ये सभी संज्ञानात्मक प्रक्रिया हैं जो आपके विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे आपके ज्ञान और अनुभव अच्छे, सकारात्मक आपने अनुभव लिए, सकारात्मक आपने ज्ञान लिया है, उनके बारे में मानसिक क्रियाएं, चिंतन, आपने सकारात्मक दृष्टि से चिंतन किया है, तो ये सभी आपके विकास के पॉजिटिव डेवलपमेंट को बढ़ाएंगे। उसके अंदर आपके अंदर नैतिकता आएगी, चारित्रिक विकास होगा, सामाजिकता आएगी, सांस्कृतिक विकास होगा, सभी विकास को प्रभावित करेंगे। यानी जिस प्रकार का आप एनवायरमेंट से नॉलेज दोगे, जिस प्रकार से आप, उसी प्रकार अपने आप विकास को प्रभावित, आपका ज्ञान और अनुभव उसको करने वाला है। तो देखो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अंदर अपने देखा है ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करने तथा इनसे संबंधित मानसिक क्रियाएं, इनसे संबंधित जितने भी मानसिक क्रियाएं जैसे चिंतन, अवधान और समस्या समाधान, ये सभी कॉग्निटिव प्रोसेस आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। जैसे आपने, मैंने बताया उसी अनुसार, यदि आपने अच्छे एक्सपीरियंस अनुभव लिए, अच्छे अभ्यास लिए, अच्छा ज्ञान लिया है, मानसिक क्रियाओं में अच्छा आपने चिंतन, थिंकिंग आपकी अच्छी है, अवधान आपने ज्ञान लिया है, समस्या का समाधान आपने अच्छे तरीके से किया है, तो आप क्या करोगे, आपका डेवलपमेंट बहुत शानदार होने वाला है, आपका विकास बहुत अच्छा होने वाला है। यानी ये सभी कॉग्निटिव प्रोसेस है जो आपके डेवलपमेंट को प्रभावित कर देती है। इसी के विपरीत यदि आपने जो अनुभव लिए हैं वो नेगेटिव अनुभव लिए हैं, एक्सपीरियंस आपने नेगेटिव लिए हैं, नेगेटिव दिशा के अंदर आपने प्रैक्टिस की है, समस्या का समाधान आपने सही तरीके से नहीं किया, आपकी थिंकिंग आपने गलत ली है, मेंटल एक्सरसाइज आपने गलत की है, यानी आपने ज्ञान और अनुभव विपरीत दिशा में लिए हैं, नेगेटिव थिंकिंग के अंदर लिए हैं, तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास एक सही दिशा में नहीं होगा, जो आपके विकास के पहलू को प्रभावित करेगा, विकास को प्रभावित करेगा। इसी प्रकार देखते हैं अपन समाज सामयिक प्रक्रियाएं, समाज सामयिक प्रक्रियाएं भी विकास को प्रभावित करती हैं। इसके अंदर देखो समाज के अंदर सामाजिक विकास यहां पर हो रहा है, सामाजिक विकास यानी बच्चे के अंदर समाजीकरण के गुण आ रहे हैं, और यहां पर सामयिक यानी संवेगात्मक विकास यानी संवेगों का विकास हो रहा है, खुश होना, दुख होना, आंसू आने, सभी क्या संवेग हैं जो आपको मिल रहे हैं, विकास के अंदर मिल रहे हैं, विकास के पहलू है ये। तो समाज सामयिक प्रक्रिया सोशियो इमोशनल प्रोसेस किस प्रकार से आपके डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, तो देखते हैं। देखो एक व्यक्ति दूसरे के साथ अंतःक्रिया में होने वाले और संवेग तथा व्यक्तित्व में होने वाले परिवर्तन, देखो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अंतःक्रिया में होने वाले परिवर्तन और संवेगों में होने वाले परिवर्तन, व्यक्तित्व में होने वाले परिवर्तन आपके समाज सामयिक प्रक्रियाओं को दर्शाते हैं। जैसे देखो एक किशोर है, वो किशोर के मैच हारने पर दुख करना,
एक किशोर है उसके मैच हारने पर दुख कर रहा है। तो देखो ये दुख क्या हो गया, उसका संवेग आ गया, संवेगात्मक विकास को दिखा रहा है वो। एक किशोर किसके सामने, किसी दूसरे दोस्त के सामने ये दुख प्रकट कर रहा है, अपनी माँ के सामने, पिता के सामने, दोस्त के सामने। तो देखो उसके अंदर सामाजिकता और संवेगिक प्रक्रियाएं दोनों झलक रही है जो उसके विकास को भी प्रभावित कर रही है। इसी प्रकार एक बच्ची माँ को देखकर लिपट जाती है तो उसके अंदर भी देखो संवेगात्मक संवेगिक विकास हो रहा है। और एक बच्ची माँ को देखकर यानी उसके अंदर समाजीकरण की भावना है इसीलिए वो माँ को देखकर लिपट जाती है। तो देखो समाज संवेगिक प्रक्रियाएं भी आपके विकास को बहुत हद तक प्रभावित करती हैं। तो विकास की प्रक्रिया को, विकास के पहलुओं को, एकीकृत विकास को, जो होने वाले सभी प्रक्रियाएं हैं जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास, सभी विकास इसको प्रभावित करते हैं। यानी इन दो बात तीन बातों के अंदर सभी प्रकार के विकास यानी विकास को सभी एकीकृत पहलू विकास को प्रभावित करते हैं। अब नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, मानव विकास निम्नलिखित क्षेत्रों में बटा हुआ है। क्वेश्चन आता है मानव विकास निम्न क्षेत्रों में बटा हुआ है। ऑप्शन आएंगे आपके चार, फर्स्ट ऑप्शन आएगा शारीरिक, संवेगात्मक, शारीरिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। एक ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन के अंदर आने वाले हैं संवेगात्मक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक आध्यात्मिक। इसी प्रकार सी ऑप्शन के अंदर आने वाले हैं आपके मनोवैज्ञानिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक विकास। इसी प्रकार आपके डी ऑप्शन में आने वाले हैं शारीरिक, मानसिक, नैतिक और संवेगात्मक। देखो ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया था बेटा वाणिज्य व्याख्याता की परीक्षा हुई थी 2014 में, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने, मानव विकास निम्न क्षेत्रों में बंटा हुआ है। तो अपन देखते हैं, देखो मानव विकास देखो किसके अंदर बंटा हुआ है। तो मानव विकास के अंदर शारीरिक विकास आता है, संवेगात्मक विकास आता है, देखो संवेगात्मक विकास आ गया, शारीरिक विकास आ गया, संज्ञानात्मक विकास आता है, संज्ञानात्मक विकास की बात की थी और सामाजिक विकास आता है। बेटा सामाजिक विकास की बात अपन ने की थी। तो ये ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। मानव विकास निम्न क्षेत्रों में बटा हुआ नहीं है, नहीं है। बटा हुआ नहीं है। तो बेटा इसके अंदर शारीरिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक विकास आ गया। नेक्स्ट बात आती है संवेगात्मक। देखो संवेगात्मक विकास आ गया यहाँ से, संज्ञानात्मक विकास आ गया, सामाजिक विकास यहाँ से आ गया, आध्यात्मक नैतिकता आ गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, बी करेक्ट हो गया। सी है देखो मनोवैज्ञानिक, मानसिक आ गया, शारीरिक आ गया, नैतिक आ गई। इसी प्रकार मनोवैज्ञानिक कोई विकास का पहलू नहीं है, अपने कोई पहलू नहीं देखा मनोविज्ञान के, शारीरिक मानव विकास का मनोविज्ञान कोई पहलू नहीं है। मनोविज्ञान क्या है, पूरे बॉडी का पहलू है मनोविज्ञान। मनो
विज्ञान के अंदर अपन बात पढ़ते हैं इनकी, मानव विकास की, लर्निंग की, सभी को अपन पढ़ते हैं। मन का विज्ञान है मनोविज्ञान, न कि मानव विकास का पहलू है। इसी प्रकार डी है शारीरिक मानसिक नैतिक संवेगात्मक, तो इसके अंदर ऑप्शन क्या हो गया, सी आपका करेक्ट हो गया, सी आपका करेक्ट हो गया। इसके बाद बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, एक क्वेश्चन और देखते हैं। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, क्वेश्चन दो। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ए ऑप्शन पढ़ते हैं अपन। ये प्रौढ़ होने पर रुक जाता है, बी ऑप्शन ये वृद्धि का एक हिस्सा है, सी ऑप्शन यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और डी ऑप्शन यह सामान्यतः कद काठी व वजन के संदर्भ में लिया जाता है, यानी शारीरिक पहलू का बता रहा है ये, शारीरिक पहलू। ये एग्जाम आपके कॉमर्स लेक्चरर 2014 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, 2014 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो विकास का कंसेप्ट आपने पढ़ा था, अब देखना इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना आपको, ये प्रौढ़ होने पर रुक जाता है, ठीक है, यह वृद्धि का एक हिस्सा है, वृद्धि का हिस्सा नहीं है, विकास वृद्धि का हिस्सा है, लेकिन यह वृद्धि का हिस्सा नहीं है, विकास के अंदर वृद्धि होती है, तो विकास के अंदर वृद्धि है, तो वृद्धि किसका हिस्सा है, विकास का है, विकास वृद्धि का हिस्सा नहीं है, तो ये ऑप्शन बी आपका गलत हो गया। विकास निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है, विकास के अंदर शारीरिक पहलू यानी वृद्धि आती है केवल, तो ये भी बात क्या होगी, गलत होगी। अब देखो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर करेक्ट है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन मैं यहां से ऑप्शन नंबर सी को डिलीट कर देता हूं और ऑप्शन नंबर में सी लिख देता हूं, ऑप्शन नंबर सी लिख देता हूं, विकास व वृद्धि पर्याय है, विकास और वृद्धि पर्याय है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया और ये भी गलत है, शारीरिक पहलू वृद्धि का एक हिस्सा गलत है। और ऑप्शन नंबर एक देखना एक बार, ये प्रौढ़ होने पर रुक जाता है, प्रौढ़ होने पर रुक जाता है, इसके अंदर ये बात सही है क्या, प्रौढ़ होने पर विकास रुक जाता है, बिल्कुल रुक जाता है, लेकिन विकास के साथ साथ विकास के दो पहलुओं की बात की थी हमने, इसके अंदर वृद्धि भी होती है और क्षरण भी होता है, तो यदि ऑप्शन नहीं है, सब कुछ इसके अंदर नहीं है, तो इसके अंदर कुछ हद तक ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो सकता है, ये प्रौढ़ होने पर रुक जाता है, ये प्रौढ़ होने पर रुक जाता है, ये बात सही है क्या, हाँ, यदि इसके अंदर ये ऑप्शन है निरंतर चलता रहता है, तो बिल्कुल वो ऑप्शन सही होगा, विकास के संदर्भ में सही कथन है, विकास के निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये प्रौढ़ होने पर रुक जाता है, तो विकास प्रौढ़ होने पर रुक जाता है क्या, विकास तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो चलता रहता है, निरंतर चलते रहती है, तो विकास प्रौढ़ होने पर नहीं रुकता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो देखो इसके अंदर निरंतरता आ गई, तो ये ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक गलत हो गया है, यदि ये ऑप्शन नहीं होता निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, तो ये ऑप्शन ए आपका क्लियर हो जाता, समझ में आ गई बात। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, निम्नलिखित में से विकास का सिद्धांत नहीं है, तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास व्यक्ति प्रक्रिया है, यह सामान्य विशिष्ट की ओर होता है, यह अंतःक्रिया का उत्पाद है, तो यह सामान्य से विशिष्ट क्रिया है, इसके अंदर ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट क्रिया नहीं है, तो विकास क्या है, सामान्य से विशिष्ट क्रिया की तरफ चलने वाली प्रक्रिया है। अब देखो बेटा बात यह है कि आपके जो ये एमसीक्यू चल रहे हैं, ये एमसीक्यू आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये एमसीक्यू आपको कंप्लीट पीडीएफ के साथ पढ़ाए जाएंगे, शानदार तरीके से एमसीक्यू आएंगे आपके, अपने आज
सीडीपी फर्स्ट और सीडीपी सेकंड अपने कंप्लीट हो गए हैं, दो लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं इन सभी के। अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे अपन सीडीपी थर्ड, जो अपना लेक्चर थर्ड होगा उसके अंदर अपन डेवलपमेंट थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं, यानी विकास के सिद्धांत स्टार्ट करेंगे। और विकास के सिद्धांत जैसे ही कंप्लीट होते हैं उसके बाद में इनका क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर देंगे, विकास की विभिन्न अवस्थाओं का क्लासिफिकेशन। उसके बाद में इतने जो 5 लेक्चर हो जाएंगे उतने तक अपन एमसीक्यू पढ़ेंगे इनका, बहुत शानदार एमसीक्यू पढ़ेंगे जो पुराने एग्जाम में आए हुए, प्लस स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बोल देंगे। मैंने बताया था अपना एमसीक्यू का 1000 क्वेश्चन का टारगेट कैप्सूल कोर्स रहने वाला है, जिसके अंदर आपको सीडीपी प्रत्येक टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है, आपका बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो आज का अपना टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो यदि आप चैनल पे नए हो तो बेटा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यदि आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो विकास 01 कोड का यूज कीजिएगा, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिलने वाला है। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ेंगे, डेवलपमेंट सिद्धांत पढ़ेंगे, वो अपन शायद 2 लेक्चर्स के अंदर अपने कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अपन एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट करेंगे, 1000 एमसीक्यू पढ़ेंगे टोटल, इसके 1000 एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं, पूरा कंप्लीट आपका इस सीडीपी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, डेवलपमेंट थ्योरीज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।